हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप? स्वागत है मेरे यूट्यूब पे सुमित्स आर्ट्स। तो दोस्तों, आज जैसे कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पे फिलहाल तो एक सीरीज चल रही है जिसका नाम मधुबनी आर्ट्स है, जिसका पहला वीडियो लीक हो चुका है और मैंने लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आज हम सेकेंड की तरफ जा रहे हैं। इसमें कुछ एडवांस में बताने वाला हूँ, कुछ नए ट्रिक्स बताने वाला हूँ, पहले से बेहतर होने वाला है। तो दोस्तों, आज स्वागत है मेरे चैनल पे सुमित आर्ट्स। चलो दोस्तों, करते हैं ड्राइंग और मज़ा। देख रहे हो, मैंने यहाँ पे एक बर्ड बनाया है। यहाँ पे सिर्फ मैंने इसका हेड बनाया है, हेड ही डार्क है, बाकी सब फेंट मैंने बनाया है, कुछ भी मैंने डार्क नहीं बनाया। तो जैसा कि आप मैंने बताया था, मधुबनी आर्ट्स में पहले वीडियो में मैंने डार्क बनाया था ताकि आपको कंसेप्ट समझे, तो पहला वीडियो जाके देख लीजिए। सो इस वीडियो में मैं डायरेक्ट ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही डार्क बनाया है और इस वीडियो में मैं कलर्स लूँगा ऑरेंज, देन रेड, देन येलो, देन डार्क ऑरेंज, देन ब्राउन, देन ग्रीन और आखिर में ब्लैक। सो इन्हीं पांचों कलर से मैं बनाने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारी वीडियो को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए, वहाँ पे रेड बटन में सब्सक्राइब दिखेगा, उसे दबाइए और साइड में बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको पहले आए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, मधुबनी आर्ट में पिक्चर किसी का हो वो नेचुरल होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, मेरा बर्ड है, तो बर्ड को मैं सिर्फ कलर नहीं दूंगा, क्योंकि मधुबनी आर्ट ही कहता है कि पिक्चर के अंदर आपको कोई डिज़ाइन लगाना ही पड़ेगा। ओके, सो दोस्तों डिज़ाइन निकाल देते हैं। सो दोस्तों, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, दूसरी लाइन में यहाँ पर लाइन तीसरे लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। ओके, सो दोस्तों ये हमारी प्राइमरी लाइन्स होंगी, और ये हमारी जो हमारी बर्ड की चोंच है उसे मैं पूरी तरह से डार्क की तरह करूँगा बिना कुछ ऐड किए। उसके बाद दोस्तों हमें डिज़ाइन लेनी है। डिज़ाइन के लिए मैं सबसे पहले येलो कलर लूँगा और यहाँ पे एक स्क्वायर टाइप बट थोड़ा सा लाम और थोड़ा सा गोल टाइप बनाऊँगा। दोस्तों यहाँ से मैं डार्क ऑरेंज से यहाँ पे स्क्वायर्स बनाऊंगा और सेम स्क्वायर में यहाँ पे भी बनाऊंगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने स्क्वायर्स कम्प्लीटली बना लिए। दोस्तों उसके बाद मैं रेड कलर लूंगा, रेड कलर से स्क्वायर पूरा भर दूंगा। ओके, वन साइड ही बनानी है, कहाँ पे बनाए लेकिन वन साइड बने। दोस्तों उसके बाद मैं ऑरेंज कलर लूँगा और यहाँ पे लाइंस मारूँगा, लेकिन वो डार्क होनी चाहिए
आप देख रहे हो मैंने कैसा डिज़ाइन बनाई है यहाँ पे, मतलब मैंने पूरा कलर कॉम्बिनेशन करके डिज़ाइन बनाई है। लेट्स दोस्तों अबे हम यहाँ पे आते हैं। हमने डार्क कलर लिया है और मैं यहाँ पे सर्कल्स बना रहा हूँ, और ये सर्कल्स यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ, बट यहाँ पे मैं शैडो टाइप बनाने वाला हूँ, और यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। यहाँ पे मैं लाइंस बनाऊंगा, फिर लूँगा मैं ग्रीन कलर। दोस्तों ग्रीन कलर से फिलअप करूँगा पूरे तरीके से। यहाँ पे मैं थोड़ा ही ग्रीन कलर दूंगा और थोड़ा वाइट रहने दूंगा ताकि शेड्स अच्छे लगे दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ के हेड की बात आते हैं तो मैं पूरी तरीके से ऑरेंज कलर ही दूंगा, दूसरा कौन सा ही कलर नहीं दूंगा दोस्तों, क्योंकि एक कलर प्लेन और दूसरे कलर पे डिज़ाइन, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। कई बार ऐसा कॉम्बिनेशन आर्टिस्ट लोग भी, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग भी बनाते हैं। सो फिर मैं यहाँ पे ये भी करने वाला हूँ। सो दोस्तों मैं यहाँ पे पूरी तरीके से ऑरेंज कलर दे रहा हूँ। चलो दोस्तों अभी यहाँ पे लेग्स पे आते हैं। लेग्स पे मैं कोई डिज़ाइन बनाने वाला नहीं हूँ, बस सिंपल सा निकालूंगा, लेकिन मैं रियल कलर से नहीं बना रहा हूँ। अपने ऊपर की मैं यहाँ पे रियल कलर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरे पास जो मधुबनी आर्ट में जो नेचुरल कलर से उसी में से मैं बना रहा हूँ। और हमारे लेग बनने के बाद हमारे पास तो ऑलरेडी ब्राउन कलर है, तो फिर मैं यहाँ की जो डायरी है उसके लिए मैं मधुबनी आर्ट में से जो कलर था वो ब्राउन कलर ही बना रहा हूँ। सो जैसा कि आप देख रहे हो हमारा मधुबनी आर्ट पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है। मैंने यहाँ पे आपको जो टिप्स बताई हैं उसे आप फॉलो कीजिए दोस्तों। हमारे ऊपर तो मधुबनी आर्ट का एक सेकेंड वीडियो है, बहुत वीडियो आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नई वीडियो मिल सके। और दोस्तों पिक्चर कैसे बने वो कमेंट भी बताइए, जो भी सबसे बताइए। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि मुझे भी आप मोटिवेशन मिले और मैं आपको नए नए स्केचेस ड्राइंग दिखा सकूँ। थैंक यू दोस्तों।